नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भौकाल टाइट है। और इस वक्त हम समझने आए हैं बिल्कुल नेपाल की तराई के नजदीक का जो इलाका है, या फिर कहें नेपाल और बिहार की सीमा का, उत्तर प्रदेश का आखिरी इलाका कुशीनगर। कुशीनगर ये धरती है गौतम बुद्ध की, जहां गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कहते हैं यहां महावीर स्वामी को भी निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी बौद्ध और जैन की इस तप भूमि में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे इलाके में इस बार भौकाल किसका टाइट है। वैसे अगर बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर के लिए कहते हैं यहाँ गन्ना, गंडक और गुंडे यहाँ की अपनी पहचान रहे, और कहते तीनों भौकाली हैं। और जब बात भौकाल की आए, तो फिर इस बार किसका भौकाल है इस तराई के क्षेत्र में, इसको समझने की कोशिश करेंगे और चलेंगे इस पूरे कुशीनगर के इलाके में और लोगों से समझेंगे। भैया एक चीज ये बताइए, इस पूरे इलाके में, यूं तो बहुत भौकाली इलाका है पहले से जो है, चाहे आध्यात्मिक लिहाज से बात करो, राजनैतिक लिहाज से बात करो, या रजवाड़ों के लिहाज से बात करो, सब जगह भौकाल है, लेकिन इस बार किसका भौकाल है? इस बार सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है कि सभी दलों ने उनको समर्थन कर दिया है, चूंकि वो आम जनता के बीच में रहने वाली प्रत्याशी हैं, तो दलीय सीमाएं टूट चुकी हैं किरण जायसवाल के लिए। और मुझको लग रहा है एक तरफा लड़ाई है बीजेपी से, और किसी कोई की लड़ाई कोई लड़ाई बची नहीं, नहीं, नहीं कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई यहाँ लड़ाई है ही नहीं। बीजेपी फिर भी मुख्यमंत्री को यहाँ पर आकर के वोट मांगना पड़ रहा है, कोई लड़ाई बची नहीं है। 15 साल से कुछ पा नहीं पाए, तब भी आपको लगता है कोई लड़ाई नहीं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? स्पेशल नगर पालिका कुशीनगर की बात हो रही है, ठीक है, आए तो यहाँ कुशीनगर में है ना, पड़ रहो ना आए, लेकिन आए तो यहाँ पर ना आए, उनका कार्यक्रम है, वो आएंगे, वो लोग प्रचार करेंगे अलग। जब सब एक तरफा है तो फिर जरूरत क्या है? नहीं, यहाँ जरूरत इसलिए पड़ गई, 15 साल से एक तरफा आप बाहर जाते सर, जरूरत इसलिए पड़ गई कि भाजपा का कोई चेयरमैन यहाँ रहा नहीं, 10 साल से भाजपा की सरकार है, 6 साल से 7 साल से, और भाजपा का कोई चेयरमैन रहा नहीं, जो भी हुए वो चोटे हुए, अपनी जेब में भरने का काम किए, आम जनता की भलाई का कोई काम नहीं किए। अब जो वर्तमान में भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है, सब पर सबको उन पर भरोसा है कि वो काम करेंगी, इसलिए यहाँ का आपको भी लगता है? जी, पिछले 5 वर्ष से यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, लगता है कि मतलब भाजपा अगर आएगी तो कुछ काम करेगी यहाँ पे। अब तक जो देखा गया है कि केवल कागजों में ही काम होता चला आ रहा है यहाँ पे, जमीनी। एक चीज ये बताइए, ऐसा है क्या यहाँ पर सिर्फ कागजों में काम हुआ है, और अब अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत जाएगा तभी विकास हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहे हैं बाकी सब चुट्टे थे? नहीं, कुछ लोग थे ऐसे, सब चुट्टे नहीं थे, उनमें से कुछ थे, कुछ थे, ठीक है। तो अब क्या लगता है कौन विकास करे, कौन कम चुट्टा आएगा या बिल्कुल ईमानदार आएगा? नेता नहीं, हमको बेटा चाहिए। क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी गंगेश प्रधान है, वो 10 सालों से प्रधानी के जीते हुए हैं, और सबसे अच्छा वो काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सारे बेटवा जो है चुनाव से पहले बेटवा रहते हैं, और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं अपने माई बता। तो चुनाव के बाद से अक्सर यही हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जब पद पा रहे हैं तो बस केवल अपना अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, वो बेटवा मांग रहे हैं, वो बिटवा मांग रहे हैं, आप किसको मांग रहे हैं? हम तो विकास, विकास के मुद्दे पर ही हम लोग वोट करने जा। कौन सा विकास भैया, सब कोई विकास विकास चल रहा था, विकास कौन सा मांग रहे हैं? देखिए, अब जितने इस समय प्रत्याशी हैं उसमें यह विवेचना की जा रही है, यह समझा जा रहा है कि कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है, कौन। अच्छा, कोई समझ में आया अभी तक कुछ लगाया अवतल लेंस उत्तर लेंस की, ये आदमी ठीक है? अभी 2 दिन जब बचेगा चुनाव का तब सोचोगे, मतलब ऐसा तो नहीं कि किसका ज्यादा जो है कुछ आ रहा है कि इधर उसी तरफ जाना है कुछ, मतलब अभी तक तय नहीं किया कोई विचारधारा आपकी नहीं है, कोई अपना प्रत्याशी आपका नहीं है, 2 दिन पहले जिसका वेटेज ज्यादा होगा उधर ही चले जाओगे? क्योंकि हम लोग सभासद प्रत्याशी हैं तत्काल। अच्छा जी, जी, लोकसभा से नहीं, यहाँ सभा। अच्छा, यहाँ से प्रत्याशी किस पार्टी से? निर्दल प्रत्याशी। निर्दल प्रत्याशी आप खुद हैं? छोटा भाई लड़ रहा है चुनाव। छोटा भाई लड़ रहा है, तो आप किधर जाओगे, क्या भाई की तरफ से भी बाहर चले जाओगे क्या? नहीं नहीं, किधर जाएंगे क्या, हम देखेंगे कि कौन, अभी भी देखेंगे। भैया तुम बड़े कंफ्यूज है, तुम बताओ। बताइए, तुम किसकी तरफ हो? नगरपालिका का जो चुनाव इसमें हो रहा है, सारे भ्रष्टाचार मुद्दों को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि पिछले नगरपालिका में जो मजनू थे, लैला मजनू जो जोड़ी थी, काफी भ्रष्टाचार किए हैं ये लोग, और यहाँ की जनता त्रस्त है। पेपर में निकला था ये लोग 1800 करोड़, मतलब 1800 ये लोग जो ये होता है आवास का पूरा पैसा पूरा भ्रष्ट दे दिए। बताओ, कह रहे लैला मजनू की जोड़ी ने बहुत लूट लिया यहाँ पर, ऐसा कुछ है क्या? कुशीनगर की जनता को सब लोग लूटते आए हैं। हाँ। और अब जनता अब समझदार हो गई है, कुशीनगर सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है इस नगर पालिका में, वार्ड नंबर 21। कौन भिजवा रहा है?
सरकार भिजवा रही विकास के नाम पे, विकास के नाम। ये तो कह रहे हैं अभी और विकास बाकी, अभी और करना, किसका विकास करना? अरे तो जनता अब जान गई है, अब इन लोगों को पहचान गई है, पहचान गई। इस बार किसको बुला रहे हो ये बता दो। अरे अब अरे फिर क्या हुआ यार, इतना तो बता दो, किसी को नहीं पता चलेगा, चुपचाप बता दो। लेकिन अब जनता, अरे पहचान तो गई, किसको पहचान गई, किसको जान गई, ये तो बताइए। वही है जिसकी लाठी उसी की। एक मिनट एक मिनट, यहीं के हैं आप मास्टर साहब? अरे तब तो ठीक है। ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं अभी तक यहाँ जितने लोग आए सब चुट्टवा आए, इस बार कोई ईमानदार आ रहा है क्या? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए तो सब कहते हैं, आ रहा है क्या, कोई है क्या इसमें जो खड़े हुए हैं? कहाँ से कंफर्म किया जाए, सब लोग तो अच्छे हैं। अरे आप अध्यापक है, आप तो बच्चों को देख के जान जाते हैं कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन होशियार है, कौन बेवकूफ। बात यह है कि हम किसी को ईमानदार बेईमान कह के अपने आप को बेवकूफ बनाना नहीं चाहते हैं। लोग सब चोर चोर मौसेरे भाई है, जो आएगा वो लूटेगा, यही ना? ये बात हम कैसे कहेंगे? अरे आप इतने सब कुछ आएंगे तो फिर बाकी बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको का काम है दिशा दिखाना, इतने सारे लोग को दिशा अभी, अभी अभी किसी कहाँ जाना चाहिए? सुनिए, किसी के बारे में अगर यह कह भी दें कि साहब वो अच्छे हैं, अच्छा नाम ना बताइए, ये बता दीजिए पार्टी की तरफ जाएंगे, व्यक्ति की तरफ जाएंगे? व्यक्ति वाले हैं, व्यक्ति वाले हैं। कोई व्यक्ति नजर आ रहा है? अपना बनाएंगे जो अच्छा, ये बता दीजिए जब पार्टी से है निर्दलीय है, कुछ तो जो है टिप देते रहिए। व्यक्तिगत वाले हैं, पार्टी से नहीं मतलब, पार्टी से कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं नहीं, पार्टी से क्या लेना देना है? तो फिर ये लोग तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। मायूस ये तो यहाँ भी इन्होंने झंडा गाड़ दिया है कि भाई आप कुछ भी हो यहीं पर रहेगा। हमको झंडा वंडा से कुछ मतलब नहीं है, मायूस हो चाहे खुश रहे, हमको इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत जाना चाहता हूँ, ये पार्टी से हमारा कभी कोई समय। एक चीज ये बताओ, आपको क्या लगता है इस बार किसी का भौका लोकल समझ में आ रहा है क्या यहाँ? जी बिल्कुल, राकेश जायसवाल, किरण जायसवाल। ये क्या? ये इसलिए कि लगातार सबके सुख दुख में है। इससे पहले भी थे क्या? जी लगातार दो बार करीबी वोटों से चुनाव हार चुके हैं, 250 के आंकड़े से एक बार नवासी वोट थे, तो इसलिए जनता की पहली पसंद के रूप में किरण जायसवाल, राकेश जायसवाल जी हैं। सहमत है क्या? जी जी बिल्कुल सहमत। वही है क्या बीजेपी वाले? नहीं नहीं, कंपनी का कोई नहीं है यहाँ, जनता बोल रही है। अरे बता, आप ही अभी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, किरण जायसवाल। अच्छा, एक ही लोग, एक ही लोग, कुछ और लोग? भैया आप किसके साथ हो? जी सर, हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हो या प्रत्याशी के साथ? और बीजेपी सत्ता के साथ हम इसलिए हैं जो और चलते चलते बाजार को भी समझते हैं। मोदी जी ने जो किया है सिर्फ उस लिए, हमारे क्षेत्र के विधायक के पद पे नहीं है ना, सांसद के पद पे हैं। ये लोग क्या है, ये उनके नाम पे तो बन गए, क्षेत्र का कुछ जानते नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो कहा उन्होंने किया, जो 307 था वो लगवाया, देश के हित में जो यार यहाँ तो मायावती जी मुझे उस पे तो दिखाई दे रही है। मायावती जी आप कह रहे सब कुछ मोदी जी ने किया, उसका नाम ही नहीं लिखा। जिस ये गेट का निर्माण मायावती के कार्यकाल का है, जब मायावती का कार्यकाल का है, कुछ तो क्रेडिट दे दो। बिल्कुल क्रेडिट है, लेकिन इस समय का क्रेडिट मोदी योगी के है, घर घर राशन पहुँचाना, कुशीनगर। आओ कुछ कुछ एक मिनट भाई, इधर कुछ साहब लोग बैठे हैं साहब। अरे आपसे शुरुआत करते सर। अच्छा आप लोग एक चीज ये बताइए, आप लोग यहाँ पर अगर निकाय की बात करें तो क्या चल रहा है, क्या इस बार किस मुद्दों को लेकर के आप लोग आगे जा रहे हैं? हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम प्रत्याशी से पूछिए। नहीं, प्रत्याशी तो अपने आप दावे करेंगे, सब प्रत्याशी जीतने के दावे, लेकिन जो वोटर है, जो जनता है, वो बताएगी ना चीजें कैसे चल रही हैं, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव पे जा रहे हैं। मुद्दा हमको तो कोई मुद्दा ही नहीं दिखा, मुद्दा नजर नहीं आता ना। क्या विकास कोई इशू है क्या इस बार यहाँ? अब पता नहीं, कब चुनाव में तो सब हर जगह इशू रहता है विकास का, चुनाव के बाद इशू रहे तब ना, चुनाव के बाद सब भूल जाते, चुनाव एकदम भूल जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। अच्छा कुशीनगर टूरिज्म के लिहाज से, रिलीजियस प्लेस के हिसाब से चीजें बेहतर हो रही हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर जितना ये विकास बढ़ रहा है उतना ही करप्शन बढ़ रहा है? चूंकि यहाँ पर लोग कह रहे थे सब कुछ जो है करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। आप रिपोर्टर हैं जी? बिल्कुल। आपको क्या क्या विकास दिखाई दिया है कुशीनगर? मुझे तो नहीं दिखाई दिया, मैं इसीलिए तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के जरिए कि शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच पाया हूँ थोड़ी। एक अकेला बुद्धा घाट को छोड़ दिया जाए जी, बाकी कुशीनगर में कुछ हुआ ही नहीं है, केवल एक बुद्धा घाट छोड़कर बस। तो भैया ये बताओ, झुंझुने तो यहाँ इतने सारे हिलाए जा रहे हैं, आप बताओ कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? ओ मजनू के में कुछ नहीं किए, 5 साल में मजनू कुछ नहीं किए। मजनू कौन है? ओ जैसे पहले का चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा। 5 साल में कुछ नहीं किए, 5 साल में खाली वो अपना घर बनवाए हैं। हाँ 5-6 साल में अपने कोठी बना, अपना विकास किए हैं। वो कह रहे जो विकास ये वही वाला विकास है क्या? खुद का विकास कर लो, बाकी सब भूल जाओ। ये हैं राकेश जायसवाल, किरण जायसवाल, ये नहीं देखे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। लॉकडाउन में जितने थे सबको खाना बना के खिलाए, सबको पैसा दिए, किराया दिए, कोई बिहार गया जहाँ जहाँ के थे सारे लोग दिए,
लोगों ने काम किया है। हाँ, इन लोग काम 15 साल से अभी तक नहीं हो पाया, इस बार उम्मीद है कि मतलब आप भगवा गाड़ दोगे। इस बार हमेशा भगवा गड़ेगा, 20,000 से ले 20,000 से वो जीतेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक जो 15 साल से नहीं हुआ अब हो रहा है? अब इतना वो काम कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है उनके। आप बताओ, ये कह रहे हैं इस बार अब जो है बस भगवा गढ़ के मानेगा, बाकी कुछ नहीं रुकेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, हम बता रहे हैं, हमको टाइम दीजिए। पहला बात यह, एक मिनट हम बताऊं, भाजपा जीतेगी लेकिन भाजपा जो है बेरोजगारी पर कोई उसका फोकस नहीं है, महंगाई पर कोई फोकस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, यह भाजपा का सबसे डीमेरिट चीज। ये बताइए, वो कहते हैं भैया पकौड़े तल लो, रोजगार ले लो, ऐसे ऐसे करके भैया जो है ये बना लो जो है, ये रोजगार में नहीं आता, रोजगार तल लो रोजगार में नहीं आता, रोजगार में नहीं, रोजगार सरकारी सरकारी रोजगार। आउटसोर्सिंग कोई रोजगार नहीं है, सरकार जब पैसे देगी तो आउटसोर्सिंग को परमानेंट, सरकार कह रही हम किसी को नौकर नहीं बनाएंगे, आप लोग उद्यमी बनिए खुद, और दूसरी सरकार की तो परमानेंट नौकरी देगी, कहां से हुआ? तो कौन सरकार आपको लगता है परमानेंट दे दे? कौन नहीं सरकार आती परमानेंट दे, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये कह रहा हूँ कि चलो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दूसरी सरकार थी, आप सब लोग रोजगार पा गए होंगे, आपके बच्चे रोजगार, कोई नहीं पाएगा, फिर भी लोग 2% पाते हैं ना रोजगार, 2% तो भाजपा सरकार बंद कर देती है, यह सबसे डिमिट भाजपा सरकार की है। तो आप क्या लगता है जो है कौन दे पाएगा, अगर ये आप निकाय की बात है, निकाय में तो भाजपा जीत जाएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बेरोजगारी और महंगाई पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, घूस बढ़ता जा रहा है, घूस बढ़ता जा, घूसखोरी बढ़ रही है, नहीं करप्शन घूस नहीं मानते हैं। जो सरकार जो काम कर रही है, तीन प्रमुख चीज होती है, स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क, जो सरकार मेडिकल कॉलेज बनवा रही है, जो जिसने प्राथमिक विद्यालय को सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सुधार दिया, जो राम मंदिर के नाम राम मंदिर को बनवाती है, पर्यटक स्थल को बढ़ावा देती है, जो जो अपराधी जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में भाजपा जिसको समझाती है। अच्छा बताया अपराधी वाला बड़ा मुद्दा, भैया एक चीज बताओ, ये कह रहे हैं अपराधियों को बीजेपी समझाती सबसे अच्छा काम ये करती, सहमत हो क्या? सहमत है, ठाए ठाए करती सबसे अच्छा करती है, मानते हो? नहीं, फिर क्या मानते हो? होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ ठाए ठाए की नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, तो सही तो कह रहे हैं, फिर क्या नहीं सहमत है उनके साथ? उनके साथ तो सभी लोग सहमत हैं। भाजपा अच्छी है या नहीं? भाजपा तो अच्छी है, उससे अच्छी कौन है? ये जो मोदी योगी जो है, हाँ? जो अपना गरीबों का और खेती का साथ दिए हैं, हाँ? वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ किया है? बिल्कुल कर रहे हैं, इस बार कुछ दिखाई देगा क्या यहाँ? यही क्या, हम तो कुछ कोई बात नहीं, कोई बड़े सब कुछ चाय लग रहे हैं। भैया आप बताओ क्या काम करते हो? सर अब हम सही से बता रहा, पकौड़े तो नहीं चलते? नहीं, पकौड़े नहीं चलते हैं। तो क्या काम करते हो बताओ? हम बाहर रहते हैं सर। अरे बाहर कहाँ रहते हो? बाहर, हिंदुस्तान से बाहर? नहीं, पुणे में रहते हैं सर। पुणे में रहते हो? जी, जी। अच्छा, पुणे में ज्यादा रोजगार है यहाँ? नहीं, यहाँ भी रोजगार है, पुणे में रोजगार है, वहाँ यहाँ कोई रोजगार? यहाँ भी रोजगार है, इसी बात रोजगार है, यहाँ भी रोजगार है। तो कुछ यहाँ काम हो रहा है कि नहीं? योगी जी तो कहते हैं कि भैया महाराष्ट्र को भूल के अब यूपी आई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, हाँ बहुत से मजदूरों को यहाँ काम दिया गया है, दिया गया है। योगी सरकार मोदी सरकार बहुत अच्छे हैं। आपने एक बात की, एक नाम ने बात किया रोजगार की, तो जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से रोजगार कम है। हाँ, कम है, जनसंख्या कमाई नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो रोजगार भी बढ़ जाएगा सर। अगला बिल जनसंख्या नियंत्रण बिल, बस 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 बस, अपराधियों पर कार्रवाई करवा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण करवा रहे हैं, क्या क्या करवाएंगे? भाजपा ने पहले टिकट देने में भेदभाव किया है, असली कार्यकर्ता को टिकट दिया नहीं, सपा वालों को टिकट दे दिया है, जिसलिए यहाँ थोड़ा सा सीट मुश्किल में फंस गया है। नहीं तो भाजपा यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतती, लेकिन डावाडोल दमाडोल स्थिति है, क्योंकि कार्यकर्ता को टिकट न देके दो अन्य लोगों को टिकट दे दिया गया है। ऐसा क्या भैया, ये पूरे जिले का बीजेपी वालों से नाराज है क्या लोग? हाँ नाराज हैं लोग। किससे खुश हैं? खुश है सपा की इस बार चेयरमैन प्रत्याशी बनेगा समाजवादी। पक्का? पक्का है सर, पक्का है सर। इस बार ये तो कह रहे हैं इस बार तो सब खत्म, सब भगवे भगवा? नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत मैसेज जा रहा है। यहाँ का समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मुन्नी देवी चुनाव जीत रही है। सही है। अब उस पर मैंने ये कहा कि डर रहा है। नहीं डर, टिकट गलत हाथों में चला गया है, इसलिए भाजपा थोड़ा। आप बताओ, देखिए भैया अभी ये जो कह रहे थे टिकट गले हाथ में दिया है, टिकट किसी व्यक्ति विशेष को देख के नहीं दिया जाता है। आप हमसे जुड़े हैं और हमको टिकट मिल जाए, ये तो अपनी इच्छा को पूरा करने वाली बात होगी ना।
टिकट भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के अनुसार पे दिया है और सर्वे के अनुसार पे भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराई और किरण राकेश जैसा पिछले 15 वर्षों से जो जनता के बीच में तत्पर है भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया। आपका प्रत्याशी इस गर्मी में बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? एकदम पूरा रोडो पे आज 3-4 सालों से अपने नेताजी को नहीं समझा रहे, वो तो एसी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। नहीं, नेताजी भी निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे चुनाव के बाद? नहीं नहीं, 8 तारीख के बाद। ये हमारे नेताजी का ये जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है नेताजी, क्यों नहीं? योगी जी सड़कों पे घूम रहे हैं और आपके नेता, हमारे एक राजेश प्रताप राव बंटी भैया ही काफी है यहाँ के लिए। अखिलेश जी की जरूरत नहीं, यहाँ हमारे जो अखिलेश जी की जरूरत, यहाँ जरूरत नहीं, विधानसभा प्रत्याशी हमारा जिता ले। कैमरे पे कही अखिलेश जी, आप एसी में रहिए, हम जिता। नहीं, एसी में नहीं रहते हमारे नेता, हमारे नेता का कर्म भूमि एसी बंद करा के नहीं कम नहीं। आप निकाय चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं कि निकाय चुनाव में ही योगी जी चुनाव प्रचार करने यहाँ आ रहे हैं, अखिलेश जी इसी कमरे में बैठे हैं। सर आप क्यों यहाँ 30,000 की जनता है वही बात कर रहे हैं, 1,00,000 की जनता घूम रही है, उन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं आप लोग? यार आप भी उन्हीं जनता में से 1,00,000 में से एक हो ना, तो आपके खाली सिटी में बात करता हूँ, हम देहात के रहने वाले हैं। अरे तो यार देहात में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो ना, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठाई ठाई जीतेगा, आप कह रहे हो कि नहीं? अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, ये तो है। अखिलेश जी कह रो रहे हैं भैया, कहाँ रो रहे हैं भाई? अरे रोड ट्वीट पर खेल रहे हैं, गलत हो गया। हमारी बात बताइए, संविधान सजा देगा कि लोग सजा देंगे? संविधान सजा देगा, आप कह रहे हो नहीं? देखिए संविधान सबके लिए है, ठीक, जो है अपराधी पाया जाएगा उसको दोषी पाया जाएगा। गुंडा मौली कौन? जो आपके साथ होगा गुंडा मौली नहीं होगा बाहर? सब सब जो जिस बिरादरी से आता हो गुंडा मौली हो। आपकी वॉशिंग मशीन से निकल के आया वो बिल्कुल पाक साहब, जो बाहर गया ये गलत है। पार्टी कोई हो, गुंडा अगर हो, आप सही कह रहे हैं, गुंडा का जवाब गुंडा ही नहीं देगा। अब संविधान बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है, अब गुंडा से पुलिस वालों को गोली मारते रहे, माला पहन? नहीं नहीं, उनके लिए सजा आपने करवाया? सुनिए, सजा फांसी दी गई है, फांसी बना है, उम्र कैद बना हुआ है। आज तक दिला पाए क्या किसी एक को? सबके लिए आज दिला पाए क्या? आज 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 जो है अतीक अहमद को जो है उम्र ला पाए क्या? उम्र कैद किस मुकर्रर की गई थी? किसने दिलवाया? किसने? गवाहों को एक को तुम कोर्ट पहुंचने दिया? कानून दिया, इनको खुद ही कोर्ट नहीं पहुंचे, मेडिकल सर्विस से जाते हुए और ठाए ठाए गुंडे ने मार दिया, गलत कर दिया, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। समझा भैया, हम लोग योगी जी को 40 साल के लिए कोर्ट के लिए नहीं चुने हैं, हम लोग को आन द फैसला स्पॉट चाहिए, चाहती का मत हो ले हो ये ले, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, हम इंतजार नहीं ना। 40 साल के हम वोट नहीं दिए हैं, हम लोग वोट दिए हैं कि जो भी फैसला इन्होंने बिरयानी खिलाई मानते हो, अभी तक बिठाल की बिरयानी खिलाई? बिल्कुल बिल्कुल खिलाया है, बिल्कुल। अभी तो आज तुम लोग रहा है, तभी सहमत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भैया सहमत। देखिए बिरयानी की बात नहीं है, बात मतलब क्या है संविधान? देखिए जो दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी हो, चाहे ना वो नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे अपराधी, वो इस कार्यकाल में मैं यही देख रहा हूँ कि उनको सजाएं हो रही हैं और गुंडे। आज ही मुख्तार अंसारी को सजा हुई, आज ही उसमें भी गलत हो गया ना उनके साथ, 10 साल के लिए आज ही सजा, मुख्तार अंसारी साथ गलत हो गया? नहीं गलत नहीं हुआ, अपराधी है तो सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अच्छा मतलब आप उससे कोई दिक्कत नहीं, मारो नहीं, अंदर रखो, अंदर नहीं रखो, सजा अगर कानून बना हुआ तो कानून के तहत सजा देना चाहिए। कुछ और लोग, आप लोग बाबू जी आप आइए, आप बुजुर्ग आदमी, आप मुझे बताइए, ये सब लोग तो राजनीति कर रहे हैं, कुशीनगर का विकास कोई कर रहा है या कर सकता है कि नहीं? क्या कर क्यों नहीं सकता है? कौन कर सकता है? अब जो पार्टी सत्ता में आएगी वही करेगी। सत्ता में तो जो है इस समय कौन है आप भी मालूम है? इसमें बीजेपी है, तीसरा है, तीसरी सरकार, वो कह रहे हैं एक इंजन और दे दो, हमें दो इंजन तो है। इसमें बीजेपी है लेकिन इसमें टाउन एरिया का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जो काम करता है उसका होगा। तो आपको कोई नजर आता है? हमको नजर आता है कि बीजेपी को बदल दीजिए, समाजवादी को लाइए, ये तो कर रहे हैं, बीजेपी को बदल के समाजवादी भी लाइए, तो ये समाजवादी है तो कह रहे हैं कि हमें लाइए, ये लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे, नहीं नहीं आएंगे, तो जो आना होगा आएगा, जो उठ पड़ेगा सही। आप किसके साथ खड़े हो? हाँ हम समाजवादी के साथ हैं। काहे? हाँ इसे समाजवादी सबको सपोर्ट दिया है, समाजवादी सबको, देखिए लड़कियों को पढ़ाई में 30,000 रुपया देता था, उसके बाद साइकिल उसने दिया था, पेंशन सबको दिया था, उसके बाद से जो भी योजना उठा लू किया, अब योजना को सबको बंद करके दूसरी योजना लागू हो गई। तो सहमत हो बाबूजी की बातों से? आप सहमत है? हाँ हाँ, गुटखा खाए ज्यादा महंगी चीज है। भैया आप यही के रहने वाले हो? जी। क्या चल रहा, किसका माहौल है? राकेश जायसवाल। ये कौन है? ये बहुत बढ़िया आदमी है। ये यार बहुत बढ़िया आदमी तो है, किस कंपनी से है? किस कंपनी से नहीं है, सब बीजेपी से है। बीजेपी से है? अच्छा, वो लड़ रहे हैं, उनकी सरकार बनेगी इस बार, उन्हीं की। राकेश जायसवाल उन्हीं की बनेगी, राकेश जायसवाल की बनेगी। इसकी वजह से बनेगी क्या? नहीं, उनकी, उन्होंने कुछ किया है या इन्होंने कुछ? उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अच्छा, किया किसने, इन्होंने या उन्होंने?
किसने काम किया है? काम तो किया है राकेश के नाम पर, उनको जा रहे हो वोट देने योगी मोदी के नाम पे। योगी मोदी जी के नाम। ये देखो भाई, कुछ नहीं किया आपके प्रत्याशी ने, ऐसा कुछ क्यों नहीं है? प्रत्याशी प्रत्याशी जब बनेगा होगा उसके बाद ना करेगा। एक मिनट साहब साहब देखो पूरा नियम का पालन कर रहे हैं। हाँ भैया, राकेश जायसवाल जो काम किया है आज तक, भले चुनाव जीते हो या ना जीते हो, लेकिन उन्होंने जो जनता के बीच में जो काम किया है एक नंबर पे किया है। आज तक कोई भी शाम को कहीं से कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये बताओ। शाम को पहुंचा है ना पहुंचा, अरे प्रत्याशी पहुंचा, मैं और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। प्रत्याशी पहुंचा, कोई प्रत्याशी तो हर कोई पहुंचेगा, कोई प्रत्याशी पहुंचा। लेकिन राकेश जायसवाल आज तक हर सभी के घर, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सबके घर पहुँचे होंगे। इसके लिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। राकेश जायसवाल सबके घर पे जाते हैं। भैया आप आओ, आप आओ, कहाँ से हो आप? कुशीनगर। कुशीनगर से नहीं, किस कंपनी से हो? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के हो, कोई खास बात? खास बात क्या, लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, विकास में विकास हो ही रहा है। नौकरी जो लोग कर रहे हैं बेरोजगार, जो उस लायक उनको बेरोजगार न है, जो उस कैटेगरी। आप लोग सहमत हैं? नहीं सर, नहीं सर, सर 2018 से कोई भी हम लोग बेरोजगार युवा, बेरोजगार युवा वैसे ही पढ़े हुए हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है सर। टेट सी टेट सारा क्वालिफाई करके हम लोग ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं सर। हम लोगों के लिए कब माननीय मुख्यमंत्री जी भर्ती निकालेंगे जी? मैं बीजेपी वालों से किसी भी तो कह रहे हैं कि यार बहुत सारे रोजगार जो है उस कुछ भी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भैया? हाँ गलत है, मानते हैं जो उस लायक है उनको नौकरी मिल रही है। अभी हमारे भैया को मिला नौकरी, दो हजार को मिला। बात कोई वैकेंसी आई हो टीचर में बता दें ये सर। सिर्फ टीचर में जरूरी, सिर्फ टीचर में नौकरी चाहिए। 1000 वाले के बाद कोई भर्ती आई हो ये बताइए। जब हम प्रशिक्षण टीचर का लेते हैं, तो जब हम प्रशिक्षण टीचर का लेते हैं तो हम क्यों क्यों डाटा क्यों पकौड़ा बेचने के लिए बनाया जाएगा ये बताइए। या तो यार शायद बीजेपी की सरकार में सब पढ़ाने वाले हो, नहीं जरूरत है। नहीं सर, या तो बीटीसी बीएड बंद कर दें जी, बिल्कुल सर। एडमिशन हम लोग ना लें, अपना समय ना व्यतीत करें, या तो नौकरी हमको दें सर, ये भी चाहिए ना। प्रशिक्षण में सब वैसे मास्टर हैं, वो कह रहे हैं मास्टरों की जरूरत नहीं है। कोर्स जो है उसको बंद कर देना चाहिए ना, बीएड बीटीसी बंद कर देना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो मांग भी तो नहीं करेंगे कि हमको जो है भर्ती चाहिए। आपको लगता है अध्यापकों की भर्ती शुरू कर दे बीजेपी अच्छी हो गई? नहीं ना, हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, जिसमें हमने काम तो कह रहे हैं। हमने तो उद्यमी, हमने 4 लाख करोड़ का एमओयू साइन करके जीआईएस यहाँ पर कर दिया, इतना सारा रोजगार आएगा कि पता चला 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कब आएगा, कब आएगा प्रधानमंत्री? कब तक करें सर? 24 तक, 2020 से 3 साल। 24 42,000 भर्ती पुलिस की 2018 में निकली थी, 2019 में 49,000 भर्ती, 69,000 भर्ती योगी सरकार की थी। फिर बता रहे 8,000 लेखपालकों की भर्ती इसी में हुई है, 8,000 लेखपालकों की भर्ती इसी में हुई है, 8,000 लेखपालकों की भर्ती यूपी सरकार में हुई है। टीचर की वैकेंसी की बात भर्ती है, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं। ये भैया एक तो डर लग रहा, सब एक ही कंपनी के नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं ना नौकरी दिया, ना युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा, न करप्शन खत्म कर पाए। अरे कहे सामने कह रहे हैं इतने नगर पालिका जी सर, बिल्कुल 2018 के बाद से युवाओं की वैकेंसी नहीं है, नहीं हुआ है। अरे एकदम किया, कौशल विकास योजना युवाओं के लिए है, स्वरोजगारी लोगों के लिए है, नगर पालिका का विस्तार हो रहा है, नगर पंचायत का विस्तार हो रहा है। बता दीजिए भैया, निकाय चुनाव है, किस मुद्दे पर जाओगे? 15 साल से तो कुछ नहीं हो पाया, किस उसमें जाएंगे? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे, कौन से विकास के मुद्दे पे? अपना वाला विकास या सबका विकास? नहीं नहीं, सबका विकास या सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विकास। आप कहे इतने सकुचाए हुए, सबसे बताओ किसका विकास? क्षेत्र का विकास। बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब जो है, आप बताओ किसका विकास? जल्दी 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 सर, सबका विकास होना चाहिए। जितने साथी होंगे सबका विकास? नहीं सर, पूरे क्षेत्र का, पूरे नगर का विकास हमारा होना चाहिए। सहमत हो? नहीं सहमत नहीं है। पहले कहे कि सांसद बना दो कुशीनगर का, पूरे सांसद उनके हैं, फिर कह दिए विधायक बना दो, पूरे विधायक हैं, फिर भी विकास नहीं दिख रहा है। अब कह रहे हैं चेयरमैन ही बना दो फिर विकास करें, फिर कहेंगे सभासद ही जिता दो तब विकास करेंगे। नगर पालिका का चेयरमैन किसका था पूछिए? किसका था नगर पालिका का चेयरमैन? साढ़े चार साल नगर पालिका का चेयरमैन नगर। क्या भैया, ये पैसा लेकर बिके थे, उनके साथ रहते थे, इन्हीं के बिरादरी के कैफूल अली मजनू चेयरमैन थे, इतने बड़े चोटे चेयरमैन थे कि 5 जगह लखनऊ में जमीन मकान, दिल्ली में जमीन मकान, आयकर नहीं भरता तो उनकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए भैया, ये है कुछ
कुशीनगर की जनता जो इस वक्त बेहद कंफ्यूज नजर आ रही है। सब कह रहे हैं विकास होना चाहिए, सब कह रहे हैं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास कैसे हो, किसका हो, इसका रोडमैप क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुशीनगर का मिजाज बेहद गर्म है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में, तब तक के लिए नमस्कार।